नमस्कार दोस्तों, मैं वेदिका शास्त्री एस्ट्रो हेल्प के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 2 मई को बुधवार के दिन मंगल का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होने वाला है। ये गोचर 2 मई के दिन सुबह 4:39 पर धनु राशि से मकर राशि में होगा और मंगल इस राशि में 6 नवंबर तक 8:39 तक रहेगा। दोस्तों, मंगल के इस गोचर का 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। किसी के लिए सुखदायी होगा तो किसी को दुख देकर जाएगा। आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के 10वें भाव में मंगल का गोचर होगा। व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इस गोचर के दौरान आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप जमीन से संबंधित किसी कानूनी मसले में भी फंसे हैं तो हो सकता है कि मंगल का ये गोचर आपको उससे मुक्ति दिला दे। दोस्तों, आर्थिक लाभ तो आपका बना ही हुआ है, साथ ही आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहने वाली है। मेरी माने तो मंगल का मकर राशि में ये गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के 9वें भाव में ये गोचर होने वाला है। वृषभ राशि के लोगों को इस गोचर के दौरान किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपके विदेश यात्रा के भी योग बने हुए हैं। अगर आप विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं तो इस गोचर के दौरान आपको मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हर तरफ से मुनाफे का योग बना हुआ है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के 8वें भाव में मंगल का गोचर होगा। आपको इस समय अपने धन, परिवार और वाणी और अपने व्यापार का बहुत ध्यान रखना है। यानी कि इस गोचर के दौरान आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। अपनी सेहत को लेकर भी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। कर्क राशि। कर्क राशि के 7वें भाव में मंगल का ये गोचर होगा। कर्क राशि के लोगों को इस गोचर के दौरान मिले जुले परिणाम मिलेंगे। अगर आप किसी नए काम को शुरू करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उसमें सफलता ना मिल पाए, या हो सकता है कि मंगल का ये गोचर आप पे इतना मेहरबान हो जाए कि आपके सारे काम ही सफल हो जाए। दोस्तों, इस समय आपको फिजूल खर्ची से बचना है और अपनी नौकरी में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, वरना आपकी नौकरी तक जाने की नौबत आ सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि के 6वें भाव में मंगल का गोचर होगा। दोस्तों, आपके लिए ये गोचर सामान्य रहेगा। आपको किसी से बहस करने इस समय बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब कि मेरी राय है कि आप अगर ऑफिस में काम करते हैं और आप किसी की बात से असहमत हैं और वो पर्सन आपसे सीनियर है, तो आप उससे बहस ना करें और उनसे उलझे ना, वरना इसका नुकसान आपको हो सकता है। आपके विचार इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि लोग आपसे निराश हो जाएं या आपसे नाराज़ हो जाएं, क्योंकि हर कोई आपके जो विचार हैं उनसे सहमत नहीं हो सकता, और ये बात आपको समझनी चाहिए। सेहत और व्यवसाय के लिए समय अच्छा है। कन्या राशि। कन्या राशि के 5वें भाव में मंगल का ये गोचर होने वाला है। कन्या राशि के लोगों को इस समय किसी छोटी यानी कि लघु यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों, मेरी राय है कि इस गोचर के दौरान आप किसी भी तरह की लंबी यात्रा से बचें। इस गोचर के दौरान आपको अपने भाई बहनों का साथ मिल सकता है, साथ ही प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। आपको अपने संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तुला राशि। मंगल का ये गोचर तुला राशि के 4वें भाव में हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपको अपने परिवार का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन आपको इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 3रे भाव में मंगल का ये गोचर होने वाला है। इस गोचर के दौरान आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके दोस्त आपसे नाराज हो जाएं और जो आपके शत्रु हैं वही आपसे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। आप इनकी दोस्ती तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें और इनसे सावधान रहने में ही आपकी भलाई भी है। धनुराशि। धनुराशि के 2रे भाव में मंगल का ये गोचर हो सकता है। इस गोचर के दौरान आपको अचानक कोई धन लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, इस गोचर के दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, वरना हो सकता है कि आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाए। इस गोचर में आपकी सेहत और व्यापार दोनों ही सामान्य रहेंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मकर राशि।
मकर राशि के पहले भाव में मंगल का ये गोचर होने जा रहा है। इस गोचर के दौरान आप कोई नया घर या वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। दोस्तों, ये समय आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के 12वें भाव में मंगल का ये गोचर होने वाला है। इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के लोगों को फिजूल खर्ची से बचना है। अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इस गोचर में आपको निश्चित ही लाभ होगा। लेकिन दोस्तों, इस गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है, वरना हो सकता है कि आपकी कोई छोटी सी चूक भी किसी बड़ी बीमारी का कारण बन जाए। मीन राशि। मीन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है, इसलिए आप चाहे तो इस महीने सब कुछ अपनी किस्मत पर भी छोड़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय है और आपको व्यापार में भी बहुत मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। वहीं विदेश यात्रा के भी योग बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं फिर लौटूंगी किसी नए विषय में जानकारी लेकर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।